हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्पेशली इस टॉपिक के अंदर भी आज हम बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। ओके, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स स्पेशली वो फॉर्म्स होते हैं जिसे हम सिंपली लिमिट लगा के निकाल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हम नहीं जानते कि ये क्या होता है। ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, हम नहीं जानते कि ये क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इन्फिनिटी इंटू जीरो कह सकते हैं, वही बात है। ठीक है, जीरो की पावर जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम नहीं जानते कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी। ऐसे ही इन्फिनिटी की पावर जीरो एंड वन की पावर इन्फिनिटी, ये होती है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, और साथ में दो चीज़ और, जीरो बाई जीरो एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो जो ये फॉर्म्स हैं हमारी, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। और इस वीडियो लेक्चर में है हम इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और मेथड सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहले अगर बात करें इन फॉर्म्स की, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलरली इस फॉर्म की बात करेंगे जिसे कि हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल IIT JEE का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और यदि आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली IIT JEE से ना मिले तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्टिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी या रोलेस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के किसी क्वेश्चन में ऐसा लिमिट आ जाए जिसे कि एल हॉस्पिटल रूल से हम 2 से लेकर 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो एल हॉस्पिटल रूल है, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है किसी भी लिमिट को सॉल्व करने का। ठीक है, सो लिमिट वाले क्वेश्चंस को हम काफ़ी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होती है शॉर्ट करने का। अगर आपकी इस पर अच्छी कमांड है तो आप मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 सेकेंड में किसी भी एक सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यदि आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को आप 1/3 टाइम में उसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके 1/3 टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स आइदर जीरो और बोथ इन्फिनिटी। ठीक है, या तो ये दोनों जीरो हों या तो ये इन्फिनिटी हों। कैसे समझें? दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आप जानते हैं कि अगर लिमिट लगी हुई है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर की भी लिमिट है एंड डिनोमिनेटर की भी लिमिट है। ठीक है, तो या तो ये 0/0 फॉर्म होने चाहिए या तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होने चाहिए। तो आप ये समझेंगे कि 0/0 होता क्या है। कहने का मतलब, जब न्यूमरेटर में आप एक्स इक्वल टू वन रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन रखेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 0 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी 0 आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, देन एल हॉस्पिटल रूल इज यूज्ड। अगर ऐसा हुआ तो हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, सबसे पहले कंडीशन, सिर्फ इन्हीं दो कंडीशन में जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है एल हॉस्पिटल रूल लगता है। बाकी के जो सारे कंडीशन है, मैं एक एक करके सारी वीडियो इन पे अपलोड करूंगा। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। ठीक है, सो देन एल हॉस्पिटल रूल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए, ये रूल कहता है एट 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, अगर ऐसी फॉर्म बन जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स को आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको एज इट इज लिख दिया, एफ एक्स का ऊपर डिफ्रेंसिएशन और जी एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सिंपली लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार सिंप्लीफाई फॉर्म में देखते हैं और डिटेल से इसको समझते हैं। ये है, ठीक है, तो ये एल हॉस्पिटल रूल की स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 f(x)/g(x), ठीक है, या तो आपका 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल है। तो इसके बाद देखिए, इसको और डिटेल देखते हैं। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 f(x)/g(x), ठीक है, इसको
एफ डैश एक्स। अब बात आई कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दी हुई है। मैं इसको हिंदी में लिख दिया हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, जिसके आर टी मतलब रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दी है उसी के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू जीरो दिया होता तो यहाँ पर हम एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, अगर के टेंस टू जीरो दिया होता तो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यहाँ पर वो फर्स्ट अपॉन सेकेंड लगा देते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी सॉरी ये होता है आपका सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डैश माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डैश अपॉन सेकेंड वाले का स्क्वायर। लोग यू अपॉन वी या फर्स्ट अपॉन सेकेंड जैसे भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला लगा देते हैं, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसका मतलब होता है एल हॉस्पिटल में न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट कब तक करो, डिफ्रेंशिएट टिल जब तक कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हट ना जाए, तब तक हमें डिफ्रेंशिएट करते रहना है। और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको लिमिट दी हुई है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक है। अगली बार जब वीडियो देखेंगे, इस बार में आप कॉन्टिन्यूस इस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। सो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल खत्म होता है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। आपको क्लास 11th में इसको रटा दिया गया था कि ये वन होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, बट ये वन कैसे आता है इसको देखते हैं। सो इसको अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से करोगे तो ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स लिख सकते हैं। अगर आप एक्स टेंस टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो जाता है आपका जीरो, और यहीं पर x बराबर जीरो रखेंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आ गई। अगर ये 0/0 फॉर्म आई है तभी हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल इसमें यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं कैसे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सॉरी जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए मैंने डी बाई डी एक्स क्यों किया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको लिमिट दी हुई थी तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। मैं चाहता तो यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकेंड लगा सकता था बट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि वो इनकरेक्ट हो जाता, मुझे न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना है एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। सो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये लिखते रहेंगे, इसको लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन एक्स का वन। अगर अब यहाँ पर आप जीरो रखते हैं, कॉस जीरो हो जाता है आपका वन, वन अपॉन वन जो कि आपका वन, क्योंकि वन अपॉन वन क्या होती है, डिटर्मिनेट वैल्यू होती है, हमको पता होता है कि वन अपॉन वन वन ही होगा, तो उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमको डिटर्मिनेट वैल्यू मिल गई, ऐसी वैल्यू मिल गई जिसका हम सॉल्यूशन जानते हैं कि इसको हम ये लिख सकते हैं, तो तब हम एल हॉस्पिटल रूल या लिमिट लगाना छोड़ देंगे, ठीक है। और तब तक हम लिमिट लगाएंगे जब तक कि हमें एक डेफिनेट वैल्यू डिटर्मिनेट वैल्यू ना मिल पाए। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था इसी से रिलेटेड था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ठीक है, अपने दिमाग में सोचते रहिए, यही लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जो मैंने पढ़ाया इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, इसकी पिक्चर बना लीजिए आप अपने दिमाग में, ठीक है। जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर ये स्टेप लिखे, ये स्टेप आपको एग्जाम टाइम पर नहीं लिखने, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ,
ठीक है, वहां आपको इसके बाद सिर्फ ये स्टेप, ये आंसर, सिर्फ तीन स्टेप में आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट दे रखी है मुझे एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पर देखिए मैं बहुत बार लिमिट लिखना भूल जाता हूँ, तो जहाँ पर भी मैं लिमिट लिखना भूल जाऊँ तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर लिमिट लगा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वही लिमिट रहेगी, लिमिट चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप इसमें रखेंगे, देखिए ऊपर भी जीरो रखी है, सो ई की पावर जीरो स्क्वायर, ये रफ करना है, ये सारा काम आपका रफ होना है, माइनस वन अपॉन जीरो का स्क्वायर। देखिए एक्स की जगह में आपने जीरो रख लिया, तो जैसे ही हुआ ई की पावर जीरो स्क्वायर जीरो एंड ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन जीरो। आप जानते हैं कि ई की पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो वन होती है, वन माइनस वन अपॉन जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो। ठीक है, इतना लेंथ थी, बट अगर आप इसमें कमांड ले चुके हैं तो आप इस स्टेप को देखते ही पता लगा देंगे कि इसका आंसर डायरेक्ट जीरो बाई जीरो आना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं इन स्टेप को लंबा लेके चल रहा हूँ। सो यहाँ पर जीरो बाई जीरो आ गया, इसका मतलब आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए भी अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड नहीं लगाना है, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसके डिफरेंशिएशन से ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, वन का हो जाएगा जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। सो टू एक्स से टू एक्स कट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इस पे लिमिट रखेंगे तो ई की पावर जीरो स्क्वायर जीरो जो कि वन होती है, डिटर्मिनेट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक चीज़ नोट कर लीजिए, बार बार अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग होगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकेंड, या आपने जो यू अपॉन वी या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जिस भी फॉर्म में फॉर्मूला क्लास 12th में पढ़ा है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी, तो इसको उतारता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे लॉग वन प्लस वाई माइनस वाई कॉस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, लिमिट वाई टेंस टू अस जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जो, चलिए इसको पहले एक बार चेक करता हूँ कि ये एल हॉस्पिटल रूल होगा या नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेक करने के लिए हमें ऊपर जीरो रखिए वाई, देखिए वाई जीरो रखिए, तो क्या हो जाएगा लॉग वन प्लस जीरो माइनस जीरो कॉस जीरो अपॉन जीरो का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आपको ये दिखा नहीं होगा, ये रहा। ठीक है, सो ये हो जाएगा देखिए इक्वल टू लॉग वन प्लस जीरो, वन हो जाएगा लॉग वन माइनस ये जीरो हो जाएगा अपॉन जीरो, और आप जानते हैं कि लॉग वन की वैल्यू भी जीरो होती है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन जीरो बोले तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो बाई जीरो जीरो होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जीरो बाई जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो बाई जीरो इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा, आप कभी ऐसा मत लिखिएगा कि जीरो बाई जीरो को मैं जीरो लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगने वाला है मेरा। अब एल, अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट वाई टेंस टू अस जीरो, ठीक है, देखिए डी बाई डी वाई, देखिए मैंने वाई क्यों किया, ठीक है, जो किताब में क्वेश्चन था वो एक्स के रिस्पेक्ट में था, बट मैंने इसको यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में लिखा ताकि मैं आपको वेराइटी समझाना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पर लिमिट वाई के रिस्पेक्ट में है तो डिफ्रेंसिएशन भी वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो यहां पर हो जाएगा लॉग
वन प्लस वाई, और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर हमारी तरफ से यहाँ पर वाई हो, एक्स हो, टी हो या जेड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई कॉस वाई अपॉन डी बाई डी वाई। देखिए डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अलग से वाई स्क्वायर। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट वाई टेंस टू अस जीरो, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वन प्लस वाई। सो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, और वाई के रिस्पेक्ट में ही है तो वन का जीरो और वाई का वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई, और वाई का हो जाएगा वन। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स होता आप 2 मिनट में डिफ्रेंशिएट कर लेते, क्योंकि हमको डी बाई डी एक्स निकालने की आदत होती है बहुत पहले से, डी बाई डी वाई जब हमको निकालना होता है थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, बट बात कोई बड़ी नहीं है, वही चीज़ है जहाँ पर जो चीज़ हम एक्स के साथ करते थे वो चीज़ हम यहाँ पर वाई के साथ करेंगे। अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, तो सिंपली आप जहाँ जहाँ पर भी वाई लिखा है उसको एक्स से रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, या आपको टी में ज़्यादा सिंपली लगता है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आपका एग्जाम में वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बदले में टी लिख लीजिए। ये क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन तो आपका ऐसे भी बनेगा बट वो आपका थोड़ा सा टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको जिस चीज़ में आदत है उस चीज़ में आप क्वेश्चन को और फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, ये अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू लिमिट y टेंस टू अस जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई, सॉरी वन अपॉन वन प्लस वाई माइनस 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 प्लस वाई साइन वाई माइनस कॉस वाई अपॉन 2y। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 0/0 फॉर्म ही आएगी। देखिए कैसे, अगर रखेंगे वन अपॉन वन प्लस जीरो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए वन अपॉन वन प्लस जीरो जो कि हो जाएगा वन प्लस वाई साइन वाई, वाई में जीरो करेंगे साइन जीरो जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, माइनस कॉस वाई तो कॉस जीरो कितना होता है वन, तो यहाँ पर वन अपॉन टू इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका टू इंटू जीरो जो कि जीरो, सो ये 0/0। सो अगेन ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो इसका मतलब मैं इसमें दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। देखिए सारे वेरिएशन के क्वेश्चन कराए मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको एक इजी सा क्वेश्चन कराया, ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका हाई लेवल कराया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें हमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के आंसर नहीं आता, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है डिफ्रेंशिएट टिल जब तक कि हमें 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हट ना जाए, तब तक हमें डिफ्रेंशिएट करते रहना है। ठीक है, तो आगे कैसे होगा, देखिए ये 0/0 फॉर्म हुआ तो इसको दोबारा से ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो वन अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये लिमिट वाई टेंस टू अस जीरो, देखिए वन अपॉन वन प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि विदाउट डिफ्रेंसिएशन आप एल हॉस्पिटल रूल को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस वाई साइन वाई, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया था, अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे लिखा था, मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया था। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डैश, कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन, तो ये फॉर्मूला होता है, यही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, सो यही मैं दोबारा यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर अप्लाई करने में क्या आ जाएगा मेरा, देखिए वाई प्लस प्लस को ऐसे लिख दिया, वाई साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई को ऐसे ही लिखूंगा, और वाई का हो जाएगा वन प्लस साइन वाई। ठीक है, वाई का हो गया वन, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कॉस वाई। ठीक है, माइनस कॉस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है,
और वाई को मैंने एज सॉरी माइनस साइन को एज इट इज लिख दिया, एंड टू वाई का हो जाएगा मेरा टू, ठीक है। सो यहाँ पर आप वाई रखिए आप, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस वन प्लस जीरो का स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो का स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर रखेंगे तो वाई कॉस वाई, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, वाई में जीरो रखिए, फिर जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन जीरो अपॉन टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस जीरो, ये जीरो टर्म, साइन जीरो हो जाता है जीरो, साइन जीरो हो जाता है जीरो अपॉन टू, सो ये आंसर आ गया आपका माइनस वन अपॉन टू। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर लिमिट वाई टेंस टू जीरो रखने पे अगर ये अगेन 0/0 आता या ∞/∞ आता, तो मैं अगेन इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाता, कब तक, जब तक कि 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आना कैंसिल ना हो जाता या हट नहीं जाता, ठीक है, तब तक मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहूँगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सही है। टेन थ्री एक्स अपॉन टेन एक्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है, जैसे ही आप आई बाई टू लिमिट रखेंगे, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन थ्री पाई बाई टू, और टेन थ्री पाई बाई टू अगर आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो टेन पाई बाई टू हो या थ्री पाई बाई टू हो, जो भी ये वैल्यू होती है ये होती है आपकी नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन, ये वैल्यू आपको पता नहीं होती है, क्योंकि टेन पाई बाई टू को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, कॉस पाई बाई टू की जीरो, एंड वन अपॉन एग्जैक्ट जीरो जो होता है वो होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। सो आपका सोचना सही है कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगेगा, उसके लिए तो ऊपर जीरो या इन्फिनिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो एक्स होगा वो टेंस टू पाई बाई टू है, इसका मतलब एक्स एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, एक्स पाई बाई टू की ओर बढ़ रहा है, या तो वो एक्स पाई बाई टू से थोड़ा सा ज़्यादा है या एक्स पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, ठीक है, वो एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, क्योंकि आपको पता है लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इक्वल हो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये आपस में इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको सिंपली लिख लेते हैं एक्स टेंस टू ए, क्योंकि ये दो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो तो आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए जो बुक्स में डायरेक्ट ये लिमिट लिख दी जाती है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, वरना क्वेश्चन किस टाइप का होता, क्वेश्चन ये होता कि इसका जो ऑप्शन होता, एक ऑप्शन में इसका दो होता, एक ऑप्शन ये होता, एक ऑप्शन ये होता, और फोर्थ ऑप्शन लिखा होता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आईआईटी जेम में आते हैं। उस टाइम पे हमें क्या सर्च करना पड़ता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव और एक्स टेंस टू ए नेगेटिव क्या इक्वल है या नहीं है, इसकी वीडियो भी मैं इस लिमिट सीरीज में कुछ ही दिनों में ले आऊँगा, ठीक है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। बट यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ इतना पता करना था कि ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू का मतलब होता है कि या तो वो पाई बाई टू की ओर बढ़ रही है, ठीक है, पाई बाई टू से थोड़ी सी ज़्यादा है या पाई बाई टू से थोड़ी सी कम है, एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, इसका मतलब ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, या तो ये जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है या ये जीरो से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो आप जानते हैं कि वन अपॉन जीरो से थोड़ा सा कम या वन अपॉन जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। वन अपॉन एग्जैक्ट जीरो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है, बट वन अपॉन जीरो पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से थोड़ा कम या ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो ऊपर भी आ गया इन्फिनिटी, नीचे भी आ गया इन्फिनिटी, सो ये फॉर्म बन गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। सो अब इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी है, कैसे, देखिए एल हॉस्पिटल लगाऊंगा क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगेगा तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री, तीन बाहर आ जाएगा थ्री, सेक स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन यहाँ पर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है।
आप इसको एक बार मैं कॉस में चेंज कर लेता हूँ पहले, आप यहीं पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कॉस में करके ये होता है कि थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। साइन कॉस से हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं तो सिंपल हो जाता है थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करना। सो पाई बाई टू, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई बाई टू पुट कीजिए, ये अगेन 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। बट हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं। देखिए, थ्री कॉस स्क्वायर 3x को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी सेक स्क्वायर 3x को 1/cos²3x लिख सकते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos²x। सो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये ऊपर चले जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपका, देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इसमें एक बार आप पाई बाई टू पुट कीजिए, ठीक है। पाई बाई टू पुट करेंगे तो देखिए, 3 cos²π/2 ये क्या होता है, 0, ठीक है। 0 × 3 0 हो जाएगा, और cos²3 × 0 0 हो जाएगा, सॉरी cos²3π/2 यही हो जाएगा पाई बाई टू रखने में, या इसको लिख सकते हैं cos³π/2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि cos³π/2 जो होता है वो होता है 0, सो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा आपका 0। सो ये 0/0 फॉर्म बना, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली होती तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनता, ये कैसा फॉर्म बनता, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बट बात तो फिर भी वही रहती, यहाँ भी हम आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ भी हम आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाते, ठीक है। और ये बात नोट कीजिए कि यहाँ 0/0 हुआ तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे होता, ठीक है। हो सकता था यहाँ भी 0/0 हो, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, अपॉन किया, ठीक है। आप जानते हैं कि 1/∞ को मैं लिख सकता हूँ 0, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाली टर्म को जैसे ही मैं अपॉन करूँगा सो वो हो जाएगा मेरा क्या, 0, ठीक है। ये देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू हो जाएगी 0। आई बात समझ में? ये चीज़ को आप एक बार बढ़िया से इन क्वेश्चंस को बनाइएगा और इनको नोट कीजिएगा, खाली सुन के ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो ये बना आपका लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, यहाँ पर हुआ आपका क्या बचा था, यहाँ पर 3 cos²x / cos²3x, 3 cos²x / cos²3x, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको दोबारा से इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट दी हुई है, ऐसा ही हमने पीछे भी किया हुआ था, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 3, देखिए 2 cos x, और cos x का हो जाएगा -sin x अपॉन, ये 3 ऐसी रहा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए, 3x का 3 लिख देता हूँ बाहर, ठीक है। cos²x तो ये हो जाएगा 2 cos³x × cos³x − sin³x, और 3x का 3 मैंने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। 3 से 3 कट कर लीजिए, ठीक है। 2 से 2 भी कट कर सकता था बट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, ध्यान से देखिए, −2sin x cos x, ये किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना आपका sin²x का, −sin²x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, इतना होता है sin²x का, माइनस था तो एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही नीचे देखिए, 2 cos, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। सो माइनस माइनस तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए, 2 cos³x sin³x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी वही टाइप का बना, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, x था तो 2x हो गया, तो यहाँ पर 3x है तो ये क्या हो जाएगा, sin 6x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2sin a cos a, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पर लिमिट लिखना मैं भूल गया था, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, अब इस पर पुट कीजिएगा। अगर पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, 2 × π/2 अपॉन sin 6 × π/2। सो ये हो जाएगा आपका sin π, ठीक है। ये रफ काम चल रहा है मेरा अभी,
मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे दोबारा इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। इतना निकालने के बाद देखिए ये सारा काम रफ काम चल रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये 3 sin π / sin 3π, आप जानते हैं कि साइन पाई भी जो होता है वो 0 होता है और साइन 3π भी होता है 0, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म आई। देखिए पहले मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया, ये 0/0 फॉर्म थी, सॉरी ये ∞/∞ फॉर्म थी, तो मैंने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो उसको करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो अगेन 0/0 फॉर्म था, सो मैंने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाया, सो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे मेरे पास दोबारा से 0/0 फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब मैं दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। देखिए ठीक है, जब तक आपका 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आना हट ना जाए, ठीक है, तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात मैं बताना भूल गया, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ये ∞/∞ का क्वेश्चन था तो बीच में 0/0 नहीं आना चाहिए, सिर्फ ∞/∞ आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 0/0 फॉर्म का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 0/0 फॉर्म का कोई क्वेश्चन है और सॉल्व करते करते पहली बार में जब जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल लगाया, ठीक है, ये ∞/∞ फॉर्म बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 0/0 या ∞/∞ लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। ∞/∞ को भी आप 0/0 में चेंज कर सकते हैं, कैसे, इन्फिनिटी को होता है इन्फिनिटी को लिख सकते हैं आप 1/0, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 1/0/1/0, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये बन गया 0/0, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि 0/0 फॉर्म का है और एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे वो ∞/∞ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन था पहले ∞/∞ फॉर्म का, जैसे ही आपने इसको एल हॉस्पिटल लगाया ये कन्वर्ट हो गया 0/0 फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। हो सकता है कि अगेन जब आप इसमें दोबारा से एल हॉस्पिटल लगाएं, हो सकता है कि ये ∞/∞ में चेंज हो सकता है कि ये 0/0 में फॉर्म हो, और हो सकता है कि इसका मुझे डायरेक्टली आंसर ही मिल जाए, मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तीनों केसेज यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया था, ये तो रफ वर्क था जिससे हमें पता लगा कि ये 0/0 आया, ठीक है, तो इसको जैसे हम दोबारा सॉल्व करेंगे, बस ख़त्म होने ही वाला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एस पाई बाई टू यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ठीक है, क्या था, sin 2x / sin 6x, sin 2x / sin 6x, इसको जैसे ही न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू साइन 2x क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, ऐसे ही sin 6x को करूंगा तो cos 6x, और 6x का डिफ्रेंशिएशन 6, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि 2 से 6 3 टाइम्स, 1/3 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ठीक है, cos 2x / cos 6x, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए cos π/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos 2 × π/2 जो कि हो जाएगा cos π, ठीक है, और यहाँ 1/3 ऐसे ही लिखा, ठीक है, cos 6 × π/2 ये हो जाएगा आपका cos 3π, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा cos π कितना होता है, 1, ठीक है, और cos 3π भी होता है आपका 1, ठीक है, सो वैल्यू आ गई आपकी 1/3 जो कि हो गया मेरा आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर बीच में कहीं पर माइनर सी मिस्टेक हुई पढ़ाने में तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो देखते हैं आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अधिक वीडियो बनाने का हमारा मन करता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।